कन्हैया के तिलक करने के लिए आगे बढ़ी हैं, उचक उचक के रह जाती हैं, मस्तिष्क तक नहीं पहुंची हैं। क्या किया है कन्हैया ने? दो उंगलियां ठोड़ी से लगाई हैं और पैर पे पैर रख के झटका दिया तो तीन बार हुआ चट चट चट। क्या हुआ? मोहन के हाथ लगाते ही को बड़ी मिट छप गई, फट गया यकायक पर्दा सा कोई दासी देवी इतनी सुंदर आहा। मोहन के हाथ लगा ही कुबड़ी मिट छविमान बही, फट गया कायक पर्दा साबुई दासी देवी समान हुई। तिलक किया, मनसुखा कहने लगे कन्हैया तूने अकेले करवाए लो हैं, हम लोग ना ही। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे तूने तो भैया कहा कि छुए हाथ के चरना खा जाएंगे, कोई बात नहीं घुप जा, सबके तिलक करो। सबके तिलक किया और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, शंख और चारुण दो पहलवान खड़े हुए, शंख चारुण खड़े हुए हैं, कुबड़िया पील हाथी भी लगा हुआ है। पीलवान कहने लगा है कन्हैया हमारे कंस का आदेश है, हमारे इस हाथी से युद्ध करके तब आगे बढ़ोगे। कुबड़िया पील हाथी, जिस हाथी में 1000 हाथी होता बल था, कंस के ससुर जरासंध ने अपनी बेटियों का जब विवाह किया था कंस के साथ में अस्थि प्राप्ति का, तो दहेज में दिया था। भगवान कन्हैया कहने लगे पीलवान युद्ध की तू बात कर रहा है, मेरी उम्र 11.5 वर्ष की है और तेरा हाथी इतना बलवान है, तू अपने हाथी को क्या समझता है बढ़ा आगे के लिए? क्या किया भगवान कन्हैया ने? कहा है पीलवान कहे दे तेरे हाथी की उलट पुलट करके, तेरे हाथी की गेंद बनाए करके भगवान कन्हैया ने युद्ध किया हाथी से, दोनों दांत पकड़ के जमीन से मारा है। भगवान कन्हैया के भाई बलराम ने लात पीछे से मारी, हाथी खत्म हो गया है। दोनों दांतों फाड़ करके एक एक लेकर के भगवान कन्हैया बलराम चल देते थे हैं, आगे बढ़े हैं। शंख चारुण से युद्ध होने लगा, शंख और चारुण हाथ कृष्ण से मिला रहे और जगत खिलाड़ी खिलवाड़े न मैं खेल खेल में खिला। ये संकय और चार
नारे हैं, वो आगे बढ़े हैं। भोजराज कंस ऊंचे आसन पे बैठा हुआ है, चीखने लगा है, पकड़ो इनके लिए, पकड़ो इनके लिए। आज भगवान के सामने किसके हाथ चलेंगे? भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई और केश को पकड़ करके, मामा कंस के केश को पकड़ कर नीचे को खींचा। केश क्यों पकड़े? जिसमें आकाशवाणी हुई थी, देवकी मैया ने केश ही पकड़ के खींचा था कंस ने। वो याद आ करके आज केशों को पकड़ करके अब खींचा है नीचे को, और छाती पर बैठ 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 करके भूषण का प्रहार किया और कहा रोते हुए, अपनों को अपना मारता है तो उसको दया भी आती है और उसके कर्मों से गुस्सा भी आती है, और कहा कि हे मामा ध्यान दे, ध्यान दे मामा,